हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ड्राई पत्ता गोभी मंचूरियन की बहुत ही शानदार रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब बिना कोई देर किए इस डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पत्ता गोभी मंचूरियन या वेज मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है दो पत्ता गोभी जो कि लगभग वजन में 300 ग्राम है। सबसे पहले हम पत्ता गोभी को इस तरह से एक पत्ता गोभी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ताकि हमें इसे कद्दूकस करने में आसानी हो। एक गोभी हम साइड में रख देंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर ली इस तरह की मशीन। इस मशीन में हमें इसे कद्दूकस करना है, हमें मीडियम साइज़ के होल में इसे कद्दूकस करना है, बड़े या छोटी साइज़ के होल में नहीं। ये देखिए, मीडियम साइज़ के होल में हमें इस तरह से कद्दूकस करना है। कुछ इस तरह से आपकी पत्ता गोभी कद्दूकस हो जाएगी। बस इसी तरह से सारी पत्ता गोभी को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारी पत्ता गोभी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब आपको लगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है तो आप इसे हल्के हाथ से बिल्कुल हल्का हल्का सा निचोड़ लें। बहुत टाइटली नहीं निचोड़ना है, बिल्कुल हल्का सा ही निचोड़ना है क्योंकि हमें इसका मॉइस्चर अभी चाहिए होगा बाइंडिंग के लिए। ये देखिए, मैंने हल्के से इसे निचोड़ लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिए 5 से 7 लहसुन की कलियाँ और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। आप चाहें तो यहाँ पर रेडीमेड लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं या फिर इन्हें बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने लहसुन अदरक को अच्छे से कूट लिया है, एक प्याज लिया, इसको अच्छे से काट लिया है और एक हरी मिर्च, इन सबको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम एक साथ इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये लगभग 2 चम्मच के करीब स्प्रिंग ऑनियन, जिसे हम हरे प्याज भी बोलते हैं, बिल्कुल बारीक काट कर डालना है आपको इसे, और थोड़ा सा ये काली मिर्च पाउडर, लगभग 1/3 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक या फिर स्वादानुसार नमक। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल लाल मिर्च डालकर भी आप इसके अंदर कलर अलग से डाल सकते हैं, रेड फूड कलर, लेकिन मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ताकि मुझे अलग से कलर डालने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच मैदा और 3 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे ये कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च। 3 चम्मच हमें इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। अगर इसके बाद भी आपको लगे कि ये मिक्सचर जो है थोड़ा ढीला ढीला सा हो रहा है तो आप इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर की मात्रा जो है और भी बढ़ा सकते हैं। हमें इसका बहुत ही टाइट डो नहीं लगाना है रोटी के आटे जैसा, और ना ही तो हमें पकौड़ी की तरह इसका पतला घोल करना है, ढीला घोल करना है। हमें दोनों के बीच का बिल्कुल एवरेज मिक्सर अच्छा सा एक डो बनाकर रेडी करना है। बस इसकी एक अच्छी खासी बाइंडिंग हो जाए और ऑयल में डालने के बाद ये बिखरे ना, कुछ इस तरह से हमें इसको बाइंड करना है। ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद आप डायरेक्टली पकौड़े ना बनाएं, पहले आप ऑयल को गर्म होने के लिए रख दें और उसके बाद आप इसके बॉल्स बनाना स्टार्ट करें। मैंने एक तरफ ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, उसके बाद में मैंने यहाँ पर बॉल्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप बॉल्स बहुत ही हल्के हाथों से बनाएं, बहुत ही टाइटली आपको नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से हैंडल करते हुए आपको बॉल्स बनाना है, टाइटली प्रेस नहीं करना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है आपको। ये देखिए, मैंने सारी बॉल्स को बनाकर रेडी कर लिया है, लेकिन एक बात का आप खास ध्यान रखें, बॉल्स बनाने के बाद आपको उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, मतलब रेस्ट करने के लिए। बॉल्स बनाते से ही आपको गर्म खोलते हुए तेल में इसको फ्राई करना है। ये देखिए, हमारा ऑयल जो है बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है जब तक हम बॉल्स बना रहे थे। बस इसी गर्म खोलते हुए तेल में हम डालेंगे ये मंचूरियन बॉल्स। हम एक साथ सारी बॉल्स नहीं डालेंगे वरना हमारा ऑयल का टेम्परेचर वो लो हो जाएगा। हम 2 बैच में मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करेंगे। मैं आधी बॉल्स अभी फ्राई कर रही हूँ, आधी बॉल्स नेक्स्ट बैच में फ्राई करूँगी, और आपको बॉल्स को तब तक टच नहीं करना है जब तक कि ये थोड़ी सी नीचे से फ्राई ना हो जाए, अलट पलट करने जैसी कंडीशन में ना आ जाए। तब तक डालते से अगर आप इसे हिलाने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉल्स ऑयल में बिखर सकती है। देखिए, इस तरह से कुछ अलट पलट करते हुए इस टाइम पर आपको गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है जब आप फ्राई कर रहे हो, ताकि अंदर से अच्छे से पक सके और गोल्डन
बिल्कुल सुनहरा सा कलर आने पर आप इसे बाहर निकाल लें। जब आप इसे डालें तब तेल तेज गरम होना चाहिए, उसके बाद आप इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। ग्रेवी की तैयारी, यहाँ पर मैंने एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, 2 से 3 चम्मच के करीब। यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन या फिर हरे प्याज लिए हैं जिसको बारीक काट लिया है, आधी कैप्सिकम ली है जिसको बारीक काट लिया है, और यहाँ पर 7-8 लहसुन की कलियों को बारीक काट लिया है, और यहाँ पर अदरक को मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है सोया सॉस। अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 चम्मच सोया सॉस, सॉरी गलती से थोड़ा ज़ोर से पिचक गया, हमें यहाँ पर 2 चम्मच डार्क सोया सॉस डालना है। उसके बाद हम इसमें लेंगे ये 1 चम्मच रेड चिली सॉस। आप सॉस की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन सोया सॉस की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रहेगी। 1 चम्मच टोमेटो केचप, हमने इसमें 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 1 चम्मच टोमेटो केचप लिया है, और अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसे साइड में रख देंगे और दूसरी बाउल के अंदर हम डालेंगे ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार कर रहे हैं, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। उसके बाद इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। ये हमारी कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनकर बिल्कुल रेडी है, बस इसमें लम्स नहीं होना चाहिए कोई भी। अब मैंने यहाँ पर गैस पर एक पेन गरम होने के लिए रख दिया है। पेन जब बहुत अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये 2 बड़े चम्मच ऑयल, जो कि लगभग 3 से 4 छोटी चम्मच ऑयल है। जैसे हमारा ऑयल गरम हो जाता है, तेज़ गरम हमारा तेल होना चाहिए इस टाइम पर, और तेज़ गरम तेल में ही हमें ये सारी चीज़ें करनी है, तभी चाइनीज़ स्मोकी फ्लेवर आएगा हमारे मंचूरियन में। बस इस तेज़ गरम तेल के अंदर ही हमें प्याज को डालना है, मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही हमें इसे पकाना है, और इस गरम खोलते हुए तेल के अंदर ही हम इसके अंदर डाल देंगे ये लहसुन और अदरक। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर अच्छे से कद्दूकस किया है और बारीक चॉप किया है लहसुन को और अदरक को ग्रेट किया है, और मुश्किल से 1 मिनट हम लहसुन अदरक को पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और इसे भी 1 मिनट तक हमें पकाना है। हाई फ्लेम पर ही हमें ये सारे काम करना है, बस सारे काम आपको फटाफट करने हैं, सारी तैयारी आपको पहले से ही रखनी है जब आप ग्रेवी बना रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये स्प्रिंग ऑनियन यानी कि हरे प्याज, इसे भी 1 मिनट तक चलाना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर आप अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो 1 चम्मच के करीब भी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप लाल मिर्च पाउडर ऐड करें उस टाइम पर गैस का फ्लेम आप लो कर दें। अब हम इसमें डाल देंगे ये सॉस, सोया सॉस, रेड चिली सॉस और टोमेटो केचप, जिसको कि हमने मिक्स करके रखा हुआ था। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 TSP नमक, 1/2 TSP गरम मसाला। नमक आप हिसाब से ऐड करें, क्योंकि आपने पहले भी नमक ऐड किया था, इसलिए स्वादानुसार नमक ऐड करें बहुत ही ध्यान से। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1/2 कटोरी पानी। पहले मैं आपको 1/2 कटोरी पानी डालकर दिखा रही हूँ कि 1/2 कटोरी पानी कितना कम हो जाएगा जब आप इसे बॉईल करेंगे जब, इसलिए हम इसमें 1/2 कटोरी पानी और ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से उबलने देंगे, हाई फ्लेम पर ही हमें इसे उबालना है, और मुश्किल से 1 उबाल आएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये कॉर्नफ्लोर की स्लरी। एक अच्छा सा उबाल आ गया है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये कॉर्नफ्लोर स्लरी, और मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे स्लरी डालने के बाद, और ये काफ़ी गाढ़ी होने लगेगी। इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए जाएंगे, आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, कितने अच्छे से ये मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब विनेगर। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी सोया सॉस के अंदर विनेगर की मात्रा होती है, जितने भी सॉस होते हैं चाइनीज़ सॉस, इसके अंदर विनेगर ऑलरेडी होता है, इसलिए आप चाहे तो यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ 1 छोटी चम्मच के करीब मैं यहाँ पर विनेगर ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके मंचूरियन बॉल जो है पहले से थोड़े से नरम हो गए हैं, तो आप चाहें तो बिल्कुल खोलते हुए तेल में 10 से 12 सेकेंड के लिए इसे दोबारा से फ्राई कर लें, और ये प्रोसेस बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे दोबारा से 10 से 12 सेकंड के लिए खोलते हुए तेल में फिर से फ्राई कर रही हूँ। ये एक तरफ हमारी ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है, मैंने यहाँ पर गैस बंद नहीं किया था, और दूसरी तरफ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी की थिकनेस, ये कितनी अच्छे से थिक हो गई है,
कितनी अच्छी सी ग्रेवी बनकर हमारी तैयार हुई है। बस हम फटाफट से इसके अंदर ऐड कर देंगे ये मंचूरियन बॉल्स। मंचूरियन बॉल डालने के बाद आप इसे बहुत ही हल्के हाथ से हैंडल करें, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से इसे हिलाएं, और जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे आपकी मंचूरियन बॉल्स जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्ब करने लगेगी। ये देखिए जैसे जैसे अपन मिक्स करते जा रहे हैं ये ग्रेवी को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं बॉल्स। वाओ, आप देख सकते हैं हमारे मंचूरियन कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। अब फटाफट से इसे गार्निश कर देंगे इन स्प्रिंग ऑनियन से, यानी कि हरे प्याज से। अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है इतनी अच्छी रेसिपी को आप मेरे बिना बोले ही देखकर ही लाइक कर देंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब फटाफट से हम इसे सर्व कर देंगे। आपका ड्राई वेज पत्ता गोभी मंचूरियन बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। अब इसे ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा आप जब गैस पर हो तब ना करें, क्योंकि सर्व करते हुए ये ऑलरेडी गाढ़ा हो जाएगा। आपकी बॉल्स कंटिन्यू इस सूप को या फिर इस ग्रेवी को एब्जॉर्ब करती रहेगी, इसलिए हल्का सा लिक्विड फॉर्म में आप इसे रखिएगा जैसे मैंने किया है। सेम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए मंचूरियन बनाइएगा। मेरी गारंटी है कि आपके मंचूरियन बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। मैं आपको एक मंचूरियन बॉल तोड़कर बताती हूँ कि अंदर से कैसी बनी है। यकीन मानिए कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।